आज हमें 199 डे हो गया, यानी कि एक दिन के बाद हम 200 का जो आंकड़ा है उसको छूने वाले हैं। तो हमारी जो डिमांड थी पहले दिन से लेकर आज तक, वो एक ही है, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। सर देखिए, अगर हम बात करेंगे रजनी मैम की, तो रजनी मैम की ये हमने कल ही देखी है, ATD एनुअल ट्रांसफ़र डाइव, एक साल में ये फॉर्म फिल किया जाता है। तो इसमें मैम का और मैम के हस्बैंड का नाम साफ तौर पे लिखा हुआ है। सर देखिए, हमारे देश का कानून कहता है कि चाहे किसी ने लाख भी गुनाह किए हों, लेकिन उसको भी आखिरी दम में जब उसको सज़ा दी जाती है तो उसको पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी। तो मैम तो हर साइड से बेगुनाह थी, हर साइड से बेकसूर थी। तो इससे ये साफ तौर से पता चलता है कि मैडम की जो जीते जी ख्वाहिश थी वो यही थी कि उसकी एक सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बने, जिसके तहत वो अपने घर जम्मू, जहाँ की वो रहने वाली है, अपने समाज डोगरा समाज में वापस आ सके और यहाँ रहकर ड्यूटी दे सके। तो हम अपने LG प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि आप शहीदी दिवस मनाते हो, लेकिन हमारी बहन रजनी बाला जो कि शहीद हुई है, तो उसकी जो ख्वाहिश थी जो जीते जी पूरी ना हो सकी, कम से कम उसकी इस ख्वाहिश को मरने के बाद पूरा किया जाए और उसके हस्बैंड राजकुमार जी की परमानेंट ट्रांसफ़र होनी चाहिए जम्मू में और इन सब एम्प्लॉयज़ के लिए एक सूटेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।